everyone, welcome back to my channel. So today onwards we are starting our Diwali series where I'm going to talk about different DIYs, how to style your home for Diwali, shopping hauls and lot of interesting things. So agar aapne abhi tak mera channel subscribe nahi kiya hai to fatafat kar lijiye because aap inme se koi bhi video ko miss nahi karna chahenge. To aaj ka video shuru karte hain. Aaj ka video basically ek home decor haul hai aur ye video maine bilkul bhi plan nahi kiya tha. मैं कुछ चीज़ों के कुछ प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान लेने के लिए मैं लाजपत नगर गई थी और वहाँ पर मुझे इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई दी कि मैंने अपनी हाफ दिवाली शॉपिंग वहीं से कर ली और मैंने सोचा कि मैं आज आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊं जो मैं खरीद कर लाई हूँ. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. तो अपना हॉल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ दो टिप्स देना चाहती हूँ. जब भी आप अपने दिवाली के लिए शॉपिंग करिए तो कोशिश करके अपने दिवाली शॉपिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करिए. उससे आपके ऊपर प्रेशर भी कम पड़ेगा और आप प्लान वे में शॉपिंग कर पाएंगे. और मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले दिवाली से एक महीने पहले शॉपिंग करती हूँ, जिसमें मैं मोस्टली सॉफ्ट फर्निशिंग और छोटे मोटे डेकोर पीसेस ले लेती हूँ और दिवाली से 15 दिन पहले मैं सेकेंड राउंड शॉपिंग करती हूँ. उससे क्या होता है कि मुझे पता होता है एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए. और जब आप दिवाली से एक महीने पहले शॉपिंग करते हैं तो रेट्स उतने हाई नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिवाली पास आती जाती है चीज़ों का प्राइस बहुत बढ़ता जाता है. और मैं अभी गई थी तो मार्केट में जिस दिवाली के सामान आए ही थे तो मेरे पास ऑप्शन भी ज़्यादा थे और प्राइसेस उतने ज़्यादा नहीं थे. तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो सके तो आप अपनी एक राउंड की शॉपिंग अभी स्टार्ट कर दीजिए. तो चलिए मैं अपना हॉल स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले मैं आपको कुशन कवर्स दिखा रही हूँ जो मैंने लाजपत नगर से लिए और दो कुशन कवर्स मैंने अमेजोन से लिए. इस बार मैं थोड़े से ब्राइट कुशन कवर्स को यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा घर दिवाली के लिए उतना ब्राइट नहीं लग रहा है, तो मैं थोड़े से कलरफुल कुशंस को ऐड करना चाहती थी. मैं नॉर्मली ब्लिंकी कुशंस को नहीं यूज़ करती हूँ कुशन कवर्स को, बट मुझे लगा कि फेस्टिवल में थोड़ा ब्लिंकी अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने कुछ ब्लिंकी कुशन कवर्स दिए हैं. ये कुशन कवर्स मैंने ऑनलाइन देखे, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थे, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल द प्राइस फ्रॉम द मार्केट, तो मैं इनको लाजपत नगर से लाई. चलिए मैं शुरू करती हूँ. सबसे पहले मैंने ये पिंक कलर का कुशन कवर लिया. सी हाउ प्रिटी दिस इज. ये मैंने एक बड़ी शॉप में पूछा तो उसका रेट अराउंड 250 था और यही चीज़ जब मैंने एक छोटी सी मार्केट में पूछा तो उसने मुझे 180 बताया और फाइनली मुझे उसने 150 में दिया. तो ऐसे मैंने टू पीसेस लिए इन कुशन कवर्स के और ये 16x16 साइज के हैं. आई होप आप उसको आराम से देख पा रहे होंगे. इसके बाद मैंने लिए दो बेज कलर के कुशन कवर्स. ये भी मुझे सेम प्राइस के ही पड़े क्योंकि मैंने एक ही शॉप से सारे कुशन कवर्स लिए और इसमें भी बीच में वर्क किया हुआ है. आई होप आप देख पा रहे होंगे. तो ये दिवाली के लाइट्स में बहुत खूबसूरत लगेंगे क्योंकि मोस्टली हम फेरी लाइट्स वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उन लाइट्स में इस टाइप के एम्ब्रॉयडर्ड कुशंस बहुत अच्छे लगते हैं. ये हो गए मेरे 4 कुशन कवर्स. और इसके बाद मैंने एक लंबर पिलो का कवर लिया है. ये ग्रीन है और इसका प्राइस भी 150 पड़ा मुझे. इस पर भी ये बहुत खूबसूरत सा काम किया हुआ है. इसके अलावा दो कुशन कवर्स मैंने अमेजोन से लिए थे. एक तो ये लोटस प्रिंट का है, इसका प्राइस फिलहाल मुझे याद नहीं है बट आई विल बी शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन केस यू वांट टू चेक इट. मैं इसको लोटस कुशन कवर का टाइटल दे दूंगी सो यू कैन चेक इट आउट. मुझे ये लोटस प्रिंट बहुत क्यूट लगा तो मैं इसको भी यूज़ करने वाली हूँ अपने दिवाली डेकोरेशन में. और उसके अलावा ये मैंने एक मस्टर्ड कलर का लिया. इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और काफ़ी मोटा है. ये भी मैंने अमेजोन से लिया. इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. आई थिंक इसका कॉस्ट अराउंड 350 या 300 था, आई एम नॉट श्योर, बट आई रियली लाइक द फैब्रिक. तो ये तो हो गए मेरे कुशन कवर्स. और अब मैं दिखाती हूँ आपको एक दो छोटी मोटी चीज़ें जो मैंने ली हैं, नॉट एग्जैक्टली फॉर दिवाली बट आई गॉट देम फ्रॉम द लाजपत नगर फ्रॉम मार्केट सो आई थॉट आई शो यू. एक तो मैंने ये छोटा सा प्लांट बास्केट लिया. ये जो प्लांट बास्केट है ये मैंने जो अब हम इंडोर प्लांट्स रखते हैं उनके जो प्लांटर्स होते हैं उनको रखने के लिए लिया है. इस पर
पे बहुत क्यूट सा क्रैप प्रिंट बना हुआ है और कैन यू गेस द प्राइस फॉर दिस. ये मुझे मिला सिर्फ 100 rupees का एंड आई रियली लव्ड इट. इसको मैं चाहे अपने स्टडी कॉर्नर में रखूँ या लिविंग एरिया में रखूँ, ये कहीं भी क्यूट लगेगा. तो ये था मेरा छोटा सा प्लांटर स्लीव. एंड नेक्स्ट वी हैव गॉट दिस लवली वाइट एप्रन. एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड को चाहिए था क्योंकि वो मेरा फ्लोरल एप्रन नहीं यूज़ करना चाहते थे, सो ही वॉन्टेड समथिंग डिफरेंट. और ये भी मुझे मिला 100 rupees का. और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने कहाँ से लिया, तो बेसिकली आपको लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में किसी भी मार्केट में ये मिल सकते हैं. जो फर्स्ट लेन में शॉप्स हैं वो सब इस तरह की चीज़ें बेचते हैं, तो आपको जाके चेक करना पड़ेगा. देर इज़ नो पर्टिकुलर शॉप जहाँ पे मैं बोलूँ कि आपको ये सामान मिलेगा, बिकॉज दे कीप ऑन चेंजिंग. कभी कुछ कहीं मिल रहा है, कभी कहीं मिल रहा है. कुछ चीज़ें मैंने रोड से भी उठाई हुई हैं, सो देर इज़ नो फिक्स्ड शॉप फॉर सच थिंग्स. अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी इस पूरी शॉपिंग ट्रिप का मोस्ट फेवरेट थिंग जो मैंने एक रोड साइड वेंडर से लिया. वो ऐसे ही रोड पे इन चीज़ों को बेच रहा था और ये है वो खूबसूरत सा बोहू लंबर्ड पिलो. सी, मैं इसको यूज़ करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. बहुत सॉफ्ट है, इट्स सो कोजी और ये कितना कूल लग रहा है. इसमें टैसल्स भी हैं और ये मुझे मिला सिर्फ 200 rupees का. दिस वॉज आई थिंक माई बेस्ट परचेज फ्रॉम दिस शॉपिंग हॉल. ये है हमारा क्यूट सा लंबर्ड पिलो जिसको मैं बहुत सी जगहों पे यूज़ कर सकती हूँ. मेरा गेस्ट रूम हो या फिर मैं कोई फ्लोर सीटिंग सेटअप बनाऊँ, हर जगह ये मुझे काम आने वाला है. तो चलिए और आगे देखते हैं मैंने क्या क्या लिया. चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपने इस शॉपिंग हॉल का मेरा सेकेंड मोस्ट फेवरेट पार्ट जो था रग्स. मैंने एक ही दो शॉप से ये सारे रग्स लिए और ये मुझे इतने अनबिलीवेबल प्राइस पे मिले कि आई गेस मैंने ओवर शॉप कर लिया. बट यू नो इस प्राइसेस पे मोस्टली रग्स मिलते नहीं हैं इस क्वालिटी के, सो मैं ये चांस मिस नहीं करना चाहती थी और मैंने थोड़ी सी ओवर शॉपिंग कर ली. तो दिखाती हूँ मैं आपको. सबसे पहले मैंने ये लिया टफ्टेड स्टाइल का रग और ये कोई बड़े शोरूम में नहीं था. ये रोड पे एक बंदा 4-5 रग्स रख के बेच रहा था, उसके पास मैंने ये देखा एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि टफ्टेड रग आपको रोड पर मिल रहा है और इसका साइज भी काफी डिसेंट है. एंड कैन यू गेस द प्राइस फॉर इट? ओनली फॉर 400 rupees, जो मुझे कहीं नहीं मिलता आई एम श्योर. तो ये था मेरा मोस्ट फेवरेट रग फ्रॉम दिस शॉपिंग. Then I got another one for one of my DIYs. ये मुझे 200 का पड़ा और ये मैंने एक शॉप से लिया. उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे बट जो भी था उसमें से मुझे ये सबसे अच्छा लगा. और ये मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी आपको, जब आप DIY वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. और उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया ये फ्लोर रनर. ये फ्लोर रनर भी मुझे 150 का मिला और ये भी मैंने स्ट्रीट वेंडर से ही लिया. और लास्ट में मैंने एक बड़े साइज का रग लिया. इसका साइज है 3x5 विच इज क्वाइट बिग. और इसका प्राइस है 450 rupees विच इज आई नो अनबिलीवेबल. सो आई रियली लव्ड शॉपिंग इन लाजपत नगर दिस टाइम एंड इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली देन यू मस्ट विजिट लाजपत नगर फॉर योर दिवाली शॉपिंग बिकॉज आई रियली लव्ड शॉपिंग देयर दिस टाइम. और अब हम लास्ट सेक्शन में पहुँच गए हैं मेरे शॉपिंग हॉल के, जहाँ पर मैंने कुछ टी लाइट्स लिया, टी लाइट होल्डर्स लिया. एंड चलिए मैं आपको दिखाती हूँ. तो सबसे पहले मैंने लिया ये मोरक्कन स्टाइल का छोटा सा टी लाइट होल्डर है. ऐसे मैंने दो पीसेस लिए एंड ही सेड ही विल बी गिविंग मी दिस फॉर 200 बट इवेंचुअली वो उसने मुझे 140 rupees में दे दिया. तो ऐसे मैंने दो पीसेस लिए. इनको मैं हैंग करने वाली हूँ और ये बहुत क्यूट लगेंगे आई एम श्योर. आई विल बी शोइंग यू एवरीथिंग सो डोंट वरी. एंड इसके बाद मैंने लिया ये लोटस स्टाइल के टी लाइट होल्डर्स, इनको भी मैं हैंग करने वाली हूँ और ये भी मुझे 140 rupees में पड़े. इसके भी मैंने दो पीसेस लिए.
see how beautiful this is. और इसमें नीचे भी स्टोन लगा हुआ है. It's really pretty. और इसमें टी लाइट रखने के बाद ये और भी खूबसूरत लगेगा. So this was my shopping haul round one, I would say. And मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये सरप्राइज वीडियो अच्छा लगा होगा. और next week I'll be coming up with boho planters. So stay excited and keep watching Metro Mom.